आज के व्लॉग में मैं अनंत्या के साथ इस वाइल्ड वादी पार्क और फरारी वर्ल्ड में खूब सारी मस्ती करने वाली हूँ। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे वाइल्ड वादी पार्क, जो कि है जुमेरा ग्रुप का पार्ट, और अगर आप उस होटल में स्टे करते हैं तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर आपको हमारी पूरी मस्ती देखनी है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुक विद निशा चैनल को सब्सक्राइब। और क्योंकि ना अनंत्या को तो आपको पता ही है कि पानी कितना पसंद है, तो हमने उससे करवाई हर एक राइड। होपफुली अनंत्या आप ये कर पाओ। Are you excited? Yes, मौत का धागू पहली थी। क्या पता अनंत्या कर पाएगी या नहीं कर पाएगी मौत का ताबूत। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ओ भाई ये क्या है? तो अनंत्या डर रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि कर ले, देखो मौका मिला है। एंड शी वेंट, और मैंने ये नहीं किया क्योंकि मेरे को बार बार रिस्क नहीं लेना है भैया। डर तो लगता है, जब एक्सपीरियंस कर लिया था तो फिर से मुझे एक्सपीरियंस नहीं करना है। लेट्स सी अनंत्या को क्या कैसा रिएक्शन आता है। और यहाँ पे आ गई ये निकल के, अब इसी से पूछ लेते हैं कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस। बस ऐसा, वैसे नॉर्मली थी, जैसे वो होता है 3 2 1 बस, तब ऐसे जाते ना नीचे, और पूरे टाइम ऐसे पानी मुँह में आ रहा होता, नाक में जा रहा होता, कान में जा रहा होता, और आपके उधर से देखनी पड़ती है। एक बेस्ट चीज है इस वाले में कि यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है, नंबर तुरंत आता है, जिंक्स हो जाएगा। पहले ना गई और वापस आ गई, और इसके बाद फिर हम निकल गए एक और राइड में, जो कि थी फैमिली राइड। इसमें हमें इस ट्यूब में बिठा दिया और हमको ट्यूब को पकड़ना था, और जो वो गोल गोल घूमा और पानी के जो थपेड़े हमारे मुंह में लगे, तो भैया बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। हम तो चिल्लाते रहे और पानी आता रहा, बट शॉट भी लेना था तो हमने कैमरा भी नहीं छोड़ा। थोड़े शॉट इधर उधर हो गए होंगे क्योंकि अपने आप को भी संभालना था, पानी भी आ रहा था, लेकिन दोस्तों मज़ा बड़ा आया। और अगर आपके बच्चे हैं तो ज़रूर आप इन वाटर पार्क की राइड्स को ज़रूर ट्राई करना। आगे हंसना मत, बच्ची ने हिम्मत दिखाई है। इसके बाद देखना आप अनंत्या को, ये तो भैया अंग्रेज होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, बहुत अच्छे से सर्फिंग करते हैं। फिर अनंत्या को यहाँ पे लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट आई सेड इतनी दूर आई है तो ज़रूर ट्राई कर इस राइड को। और यहाँ पे अनंत्या ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया और निकल गई वो पानी में। और इस वाटर पार्क के एक्सपीरियंस को अपने साथ लेके हम निकल गए नेक्स्ट एडवेंचर में, जो था अबू धाबी में फरारी वर्ल्ड। तो यहाँ पे अंदर खाना लेके जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्नैक्स ले रहे हैं, बट आप ज़्यादा मत खाना क्योंकि आपको उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत तेज राइड्स होंगी। तो चलो अब अंदर चलते हैं। मम्मा पापा के साथ राइड करोगे? क्या आपके मम्मा पापा राइड करते हैं ऐसी फास्टेस्ट? हाँ, मम्मा पापा तो कर ही लेते हैं, बट अब मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि जब मैं पहले आई थी गार्डनलैंड फरारी वर्ल्ड तो मैं बहुत छोटी थी। तो आप टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं, काउंटर से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन बेटर है। मैंने फरारी को इतनी तेज चलते हुए कभी नहीं देखा। ओ माय गॉड, सो फनी गाइस, आवर ह्यूमर इज ब्रोकन। इसमें आप आई थिंक किसी कार में बैठोगी और वो इटली करेगा, क्योंकि फरारी जो है एंजेलो फरारी, ही इज फ्रॉम इटली। वाओ, उसका एंजेलो फरारी कौन है? जैसे फरारी बनाई है यार। ओ वाओ, अमेजिंग। थोड़ा बोरिंग था बट लाइक अच्छा लगा। अगर मैं इसको अपना व्लॉग करूँगी तो यहाँ पे अच्छा सा खाना दिख रहा है, बट खाने में पता नहीं कितना होगा, 60 to 65-80 दिरहम की यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, और इतना घूमने के बाद अजीब से टैन हो गए, टैन। आखिर मुझे पास्ता खाने को आज मिल ही जाएगा। मैं 3 दिन से पास्ता बोल रही हूँ, पिज्ज़ा ऑर्डर हो रहा है, बर्गर ऑर्डर हो रहा है, चिकन चाउमीन ऑर्डर हो रही है, बट पास्ता नहीं हो रहा है मम्मा का। एक्चुअली मैं पास्ता, एक मिनट, हमारी कोल्ड ड्रिंक कहाँ चली गई? अच्छा, कोक लाया। नहीं यार, मेरे को कोक अच्छी नहीं। फाइनली मुझे आज पास्ता खाने को मिलेगा, क्योंकि चिकन ऑर्डर हो रहा है, बर्गर ऑर्डर हो रहा है, इटालियन ऑर्डर हो रहा है, हमने एक टर्किश भी खाया है, लेकिन पास्ता नहीं। ये तो है, मम्मा ने एक्चुअली बोला, मम्मा पास्ता मांग रही है और मम्मा को फाइनली उनका पास्ता मिल जाएगा।
तो ये पहली राइड है जिसमें हम लोगों का कैमरा अलाउड है फाइनली. हम लोग आपको कुछ नहीं दिखा पाए, इतना बुरा लग रहा था. कुछ हुआ नहीं. And it's all dark. चलो इस राइड के बारे में आपको बताती हूँ, जहाँ पे हमें इससे फरारी की चाबी लेनी थी और ये हमें पूरा घुमाता है इटली में. इटली के पहाड़, ओशंस के अंदर, शहर के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर. बट चाबी दोस्तों देखते हैं हमें मिलती है या नहीं. लेकिन राइड में तो बहुत मजा आया. ये थी एकदम 3D इफेक्ट के साथ. अभी कैमरे में 3D इफेक्ट उतना आ नहीं रहा है, लेकिन राइड में हम ऊपर नीचे कहाँ कहाँ जा रहे थे ये तो हमें भी नहीं पता चल रहा था. और इसके बाद जिस मेन राइड के लिए हम आए थे उसके बारे में बताती हूँ. तो ये है वर्ल्ड की फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड, जो कि पहले हमने अनंतिया के साथ नहीं की थी, लेकिन हमें ये राइड उसके साथ करनी थी तो हम यहाँ स्पेशली आए हैं. और अनंतिया ने यहाँ पे अपने पापा के साथ ये राइड की है सबसे आगे बैठ के, कि जब आप सबसे आगे बैठते हो और हवा को चीरते हुए निकलते हो ना, तो दोस्तों उसका तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है. दिस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर, यहाँ पे भी लिख रखा है मेरे को. मेरी अभी भी थोड़ी बॉडी फील नहीं हो रही, इतना लूज सा हो गया ना सारे सारा. बस कैसे एक्सप्लेन करूँ. तू क्या बोल रही है, चुप. अगर आप दुबई आओगे तो ये सिर्फ बना, कुछ नहीं फील हो रहा. फास्टेस्ट नहीं आ रहा, पास्ते सारा हम वापस करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं, हमने सारी कर ली है ऑलमोस्ट और हम बोर हो ही रहे थे, चलो यही वापस कर लो. क्योंकि इन दोनों को फर्स्ट पे जाना है ये वाली जगह पे. जय माता दी. और दोस्तों इन दो एडवेंचर के साथ एक और एडवेंचर हमने किया था दुबई के एक्वा वेंचर, जो एटलांटिस का वाटर पार्क है वहाँ पे. उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो वो अनंतिया के चैनल पे डिटेल दिया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहाँ हमने क्या क्या मस्ती की वो आप जाके अनंतिया के चैनल पे यानी कि माय मिस आनंद में देख सकते हैं. तो हम लोगों ने रेडी हो गए हैं और लाइक मम्मा और पापा भी लॉकर करा रहे हैं, मैं यहाँ पे सामान को गेट कीप कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा सामान है और इनको गेट कीप करने के बाद हमारा लॉकर आ जाएगा और फिर हम लोग लॉकर में सामान रख के जाएंगे राइड्स करने. आरआरआर. और इसी एडवेंचर के बाद दुबई का तो रात का नज़ारा देखने ही बनता है. और ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय.